ओके सो गाइस, बहुत लोगों की डिमांड थी, यानी कि 3-4 लोग ही थे जिन्होंने बोला कि लिरिक्स कैसे बनाए सिखाओ। तो मैंने लिरिक्स कैसे क्रिएट किया ये वाला लिरिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वाले वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो गाइस आप लोग किसी भी लिरिक्स को एडिट कर सकते हो, किसी भी लिरिक्स को बना सकते हो। ओके सो लिरिक्स लगाना बहुत ही आसान है क्रिएट करना। सिंपली गाइज आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है अगर आप खतरनाक एनिमेशन देना चाहते हो। ओके तो उसी लिए हम लोग गाइज कैपकट ओपन किया हो। तो एनिमेशन में परफेक्ट एनिमेशन यहाँ पे होती है, और फॉन्ट वगैरह जो यूज़ होते हैं वो भी यहाँ से होते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, आप लोगों के ब्लैक पेज ले लेना है। तो ब्लैक पेज लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये ब्लैक पेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वाले एंडिंग पेज को डिलीट कर देते हैं। ओके तो सबसे पहले इसे हम लोग स्क्रोल करके बड़ा कर देते हैं। तो ऐड ऑडियो में जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग को म्यूजिक ऐड कर देना है। तो गाइज म्यूजिक के अनुसार आप लोगों को लिरिक्स को लिखना है। ओके तो म्यूजिक आप लोग नहीं डालोगे तो लिरिक्स आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो सिंपली गाइज म्यूजिक को इंपोर्ट कर लेना है। वायरल वीडियो का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करेगा, आप सब जाके इस टाइप से इंपोर्ट कर लीजिएगा म्यूजिक को। तो म्यूजिक को इंपोर्ट करने के बाद जहाँ से आप लोग का जो लिरिक्स लिखना है वहाँ तक आप लोग को जाना है। तो मुझे यहीं तक आप लोग लिरिक्स लिखना था, जैसे कि रैप का सॉन्ग था। ओके तो रैप कवर सॉन्ग है, तो मुझे यहाँ से लिरिक्स लिखना था। तो गाइस सिंपली यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा वीडियो को, जो लिरिक्स को लिखना कट कर दूँगा उसी पार्ट को। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिरिक्स को लिखेंगे। ओके तो म्यूजिक में सुन लेता हूँ। तो गाइस आप लोग को जरूर से ज़रूर म्यूजिक को सुनकर ही लिरिक्स को लिखना है, नहीं तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी टेक्स्ट बोला जाएगा म्यूजिक में आप लोग उसी टेक्स्ट को लिखना होगा। तो जो भी रैप में बोला गया था मैं उसी टेक्स्ट को लिख रहा हूँ, तो आप लोग को भी उसी टेक्स्ट को लिखना है। तो गाइज ये जो म्यूजिक था बहुत सारे टेक्स्ट थे इसमें, इसीलिए गाइज म्यूजिक को लिखना बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत सारे छोटे छोटे टेक्स्ट थे इसमें, तो मुझे बहुत ही मेहनत लगा इसमें। ये जो देख सकते हो वायरल सॉन्ग में, तो ये जो टेक्स्ट जो आ रहा है इसको आप लोग देख कर भी लिख सकते हो, देखोगे और उसके बाद इसे लिख सकते हो आप लोग। ओके तो इसी टाइप से आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप लोग म्यूजिक सुनकर भी आप लोग लिख सकते हो। तो देख सकते हो मैं यहाँ से देख लिया क्या क्या टेक्स्ट आ रहे हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। ओके तो सिंपली गाइस लिखने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ से बैक जाएंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट आइकन में गाइस आप लोगों को क्लिक कर देना है। सो यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी आप लोगों ने म्यूजिक सुना उसको आप लोगों को लिख देना है। बहुत ओके तो बहुत लिखेंगे फर्स्ट में, तो उसके बाद आप लोग जन लिख सकते हो। तो उसके बाद अगर टेक्स्ट होना चाहिए जन, जैसे कि आप लोग को म्यूजिक में सुन रखा था गाइस, तो उसी टाइप से आप लोग को लिखना है, तो तभी जाके परफेक्ट टेक्स्ट आ पाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट थे इसमें, इसीलिए हमें वीडियो क्रिएट करने में इसी टाइप से आप लोग स्क्रॉल करके छोटा कर दीजिए, जहाँ से जन बोलता है वहाँ तक आप लोग को रख देना है। तो इसी टाइप से आप लोग रखना है। ओके बहुत जन जहाँ से बोलता है इसी टाइप से आप लोग स्क्रॉल करके टेक्स्ट को रख देना है। ओके तो ये स्टेप आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ से कौन सा फॉन्ट आप लोग का ऐड करना है, सो यहाँ से डबल ए पे क्लिक करके स्टाइल में जाना है। तो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं। सो जो भी क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर कुछ फॉन्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और कुछ फॉन्ट्स जो है यहीं से भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया था गैम्बोल, ये वाला फॉन्ट था, तो वो देख सकते हो यही वाला फॉन्ट मैंने यूज़ किया था। तो आप लोग फॉन्ट को जरूर से ज़रूर याद करके यूज़ करना है। तो जैसे कि ये वाला फॉन्ट देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फॉन्ट है गैम्बोल करके, तो ये देख सकते हो ये वाला फॉन्ट था। ये जो रैप में जो टेक्स्ट आते हैं इसी फॉन्ट में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग चाहो तो ये वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप लोग जिसे चाहे यूज़ कर सकते हो जो भी परफेक्ट लगे। तो उसके बाद आप लोगों को जाना है बहुत के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, ये वाला टेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर टैप करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, डबल ए में क्लिक करके, सो वही वाली फॉन्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। सो गाइज ये वाला फॉन्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो बहुत ही ख़तरनाक फॉन्ट है, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉन्ट आप लोग का लग चुका है, अभी आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसी फॉन्ट में आने लगेगा, फिर से आप लोगों को फॉन्ट में जाने नहीं पड़ेगा। एक बार फॉन्ट आप लोगों ने चूज़ कर लिया कैपकट एप्लीकेशन में, तो दूसरी बार आप लोगों को फिर से फॉन्ट के ऊपर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, नहीं तो
सिर्फ पर सिर्फ अभी टेक्स्ट को आप लोग लिख जाएंगे। सो ये देख सकते हो, ये एंटर टेक्स्ट में वही वाले टेक्स्ट आ जाएगा, देख सकते हो। ओके, सो इसी टाइप से आप लोग म्यूजिक का सुन लेना है, और जहाँ पे यहाँ पे म्यूजिक आप लोग का प्ले कर सकते हो। सबसे पहले इसीलिए मैंने बोला म्यूजिक को इंपोर्ट कर लो। ओके, तो देख सकते हो हमारी म्यूजिक के अनुसार हम लोग टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट को लिख लेते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने सभी टेक्स्ट को लिख दिया है, मैंने वीडियो स्किप किया क्योंकि बहुत ही टाइम लगा था मुझे टेक्स्ट को लिखने के बाद। ओके, तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा गाइस। ओके, तो लिख देने के बाद, एक्सपोर्ट कर देने के बाद गाइस आप लोग फिर से न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। फिर से न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप लोग को वीडियो में जाने हैं, तो वीडियो ब्लैक पेज में आ जाता है। तो जहाँ से हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था वहाँ तक आप लोग कर देना है स्प्लिट, और ये वाला पार्ट को कर देना है डिलीट। ओके, तो ये देख सकते हो, तो ये देख सकते हो हमारे टेक्स्ट भी आने लगे हैं, तो बहुत ही ऑसम है। तो ये वाला टेक्स्ट को अभी एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने से पहले गाइज आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ। सो टेक्स्ट को अच्छे से आप लोगों को लिख दिया होगा, तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। तो इसी से मेरे बहुत ही टाइम वेस्ट हुआ है गाइज। ओके, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को क्या करना है, एक टेक्स्ट के बाद आप लोगों को स्प्लिट करना है सभी टेक्स्ट को। ओके, तो एक ये वीडियो में क्लिक कीजिए, स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर लीजिए। फिर मिले बहुत जन के बाद इसे स्प्लिट करना है। एक टेक्स्ट के बाद आप लोगों को एक को स्प्लिट करते जाना है, इसी टाइप से करना है। तो देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट के बाद एक टेक्स्ट जो आ रहा है उसको आप लोगों को स्प्लिट करते जाना है। ओके, तो इसी टाइप से आप लोगों को स्प्लिट करते जाना है। तो ये देखो गाइस, मैं सभी टेक्स्ट को ऐसे स्प्लिट करते जा रहा हूँ। तो आप लोगों को याद रखना है, जब आप एनिमेशन देने जाओगे तो ये काम करने के बाद एनिमेशन देना है आप लोगों को, तभी जाके परफेक्ट एनिमेशन आ पाएगा, तो नहीं तो आप लोगों का एनिमेशन नहीं आ पाएगा। तो ये देख सकते हो मैंने सभी टेक्स्ट को स्प्लिट करते जा रहा हूँ, तो एक के बाद एक टेक्स्ट को आप लोगों को स्प्लिट करते जाना है। तो इसमें भी आप लोगों का बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। सो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो क्रिएट करके, मैंने परफेक्टली एनिमेशन क्रिएट करके लिंक एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रखा है। सो गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसमें भी आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख रखा था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिरिक्स भी दे रखा था। सो लिरिक्स को आप लोग डाउनलोड करके आप लोग ऐड कर सकते हो। तो जिन लोगों को सीखना है कैसे लिरिक्स ऐड करना है, तो इसी टाइप से आप लोग लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, तो उसके बाद एनिमेशन में जाकर कॉम्बो में जाना है। तो यहाँ से आप लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा गाइस यूज़ होने वाला एनिमेशन है पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2। तो देख सकते हो पेंडुलम 1 यूज़ किया, उसके बाद आप लोगों को पेंडुलम 2 यूज़ करना है, फिर पेंडुलम 1 को गाइस यूज़ करना है ये एनिमेशन में, फिर पेंडुलम 2 को गाइस आप लोग को यूज़ करना है। ओके, तो इसी टाइप से आप लोगों को बहुत सारे पेंडुलम 1 पेंडुलम 2 इसको आप लोग को यूज़ करते जाना है, फिर आप लोगों को अलग कोई सा एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद के जूम वाला एनिमेशन यूज़ कर सकते हो, जितने भी डिस्ट्रक्शन ये वाला एनिमेशन, वोबल जूम आउट जूम 2 ये वाला एनिमेशन उसके बाद में आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे भी एनिमेशन है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो गाइज यूज़ में आप लोग को बहुत सारे एनिमेशन मिलेंगे, तो यहाँ से यूज़ करते जाना है। ओके, तो ज़्यादा बार आप लोगों को पेंडुलम 1 और उसके बाद पेंडुलम 2 को यूज़ करना है, उसके बाद का जो एनिमेशन आएगा उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने सभी एनिमेशन को ऐड कर दिया है, तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे बनी है। तो मैं प्ले करके गाइज दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का एनिमेशन गाइज आप लोग क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज वीडियो में मैंने सिखा दिया है कैसे आप लोग क्रिएट करना है इस टाइप की लिरिक्स को। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख ले तो किसी भी लिरिक्स को गाइज आप लोग लिख सकते हो, उस लिरिक्स में एनिमेशन दे सकते हो इस टाइप से। ओके, और फॉन्ट भी मैंने बता दिया। तो वीडियो गाइस कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बार रेटिंग।